नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपनू स्वागत छे। शुरुआत करीशु हेडलाइन्स थी। गुजरात राज्यना विकास ने वेग आपवा मार्ग परिवहन मंत्रालय गुजरात ने फाळव्यू 200 करोड़ भंडोळ। गुजरात ने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम हेठळ फाळवायू बजेट। आ भंडोळ थी पड़ोशी राज्यों साथे परिवहन व्यवहार थशे सरल। मोडासा तालुकानी 8 वर्षीय बाळकी ने लालच आपी दुष्कर्म आचरनार आरोपी ने अरवली स्पेशल कोर्टे फटकारी फांसी की सजा। पॉक्सो एक्ट हेठळ आरोपी ने फटकाराई सजा। राजकोट जंगलेश्वर विस्तार में मिली आयो 357 किलो गांजो। नशीला द्रव्यों की हेराफेरी करनारा सामे राजकोट एसओजी पुलिसे शुरू करेल ऑपरेशन ब्लैक हॉक ने मिली मोटी सफलता। गांजा वेपार करनारा पति पत्नी सहित 4 लोगों की कराई धरपकड़। साबरकांठा हिम्मतनगर पास टेम्पो पलटायो। अकस्मात में 3 लोगों की मौत, 7 घायल। इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल खसेड़ाया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं साथे कर्यो सीधो संवाद। सौना साथ सौना विकास मंत्र ने गणाव्यो सरकार नो प्रेरणा स्रोत। फरी एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने स्वच्छता ही सेवा साथे जोड़ावा कर्यु आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आ आंदोलन ने वेग आपवा फिल्मी जगतनी हस्तियों आवी सामे। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन साथे अनेक धार्मिक हस्तियों पण आ आंदोलन ने आप्यु पोतानु समर्थन। डीजे गुलाल और गणपति बाप्पा मोरिया नाद साथ देशभर में धामधूम की कराई रही है गणेश चतुर्थी की उजवनी। भक्तों गजानन विविध स्वरूपों भक्तिभाव की कर स्थापन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री साथ मुख्यमंत्री पर पाठी शुभेच्छा। समाचार विगतवार जोईए। भारत सरकारना मार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम हेठळ नाणाकीय वर्ष 2018-19 माटे गुजरात राज्य ने 200 करोड़ फंड मंत्रालय तरफ फाळवामां आव्युं छे, जेनी जाहेरात केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडवियाए आजे करी छे। आ कार्यक्रम हेठळ राज्य में जुदा जुदा 9 कामों वर्ष दरमियान हाथ धरवामां आवशे। आ परियोजनाथी राज्य की माळखागत सुविधा में वधारो थशे अने राज्य विकास वधु वेगवंतो थशे तेवी आशा केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडवियाए व्यक्त करी हती। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी नेतृत्व वाली अमारी सरकारे छेल्ला 4 वर्ष 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे काम आगळ वधार्या छे। 2022 सुधी नी अंदर नवा 1,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे ने जोड़वा माटे अमे 32,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नवा बनाई दीधा छे। 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे अत्यारे ऑनगोइंग छे। एज रीते राज्य की अंदर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी एटले के बे राज्यों ने जोड़ता केटलाक रस्ताओं ने पण अमे आजे मंजूरी आपी छे। गुजरात अने गुजरात ना पाड़ोशी राज्यों एटले के इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ने मंजूर मजबूत करवा माटे 200 करोड़ रूपयाना खर्चे विकासना कामों ने मंजूरी आपवामां आवी छे। आगामी दिवसों की अंदर समयसर एना टेन्डर फ्लोट करवामां आवशे अने तत्त ज काम हाथ धरवामां आवशे। अरवली जिल्लानी स्पेशल कोर्टे दुष्कर्मना आरोपी ने फांसी की सजा संभावी छे। मोडासा तालुकाना लिंभोई में 3 वर्ष अगाउ 8 वर्षनी बाळकी ने चॉकलेट की लालच आपी 20 वर्षना युवाने बलात्कार गुजारी तेने गामनी सीम में आवेला कूवामां फेंकी दीधी हती। आ बनाव अंगे मोडासा रूरले बलात्कार विथ मर्डरनो केस नोंधो हतो। आ केस अरवली जिल्लानी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चाली जता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश एके रावे आरोपी दिनेश उर्फे काळो मणिलाल वसावा ने फांसी की सजा फटकारी हती। आ केस मोड़ासाना स्पेशल पॉक्सो कोर्टना जज एके राव साहेबनी कोर्ट में चालेलो जेमा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नो केस होवाथी पुरावाओ लास्ट सीन ऑफ टुगेधर छेल्ले जे बाळकी ने जोवावाळा साक्षीओ हता ते शाहेदोनो आधार एविडेंस एक्टनी कलम 27 मुजब नो पुरावो वगैरे ध्यान में राखी
एफएसएल रिपोर्ट वगैरह जुए आमदार कोर्टे महत्व चुकादो आपेलो छे अने ते रेर ऑफ द रेरेस्ट केस गणी अने 302 मो फांसीनी सजा जाहिर करेल छे। राजकोटना जंगलेश्वर विस्तार में नशीला द्रव्यों जंगी जत्थो मळी आवता चकचार मची गई छे। उल्लेखनीय छे कि मात्र 3 दिवस टूंका गाळा में आ नशीला द्रव्य मळ्यानी आ बीजी घटना बनी छे। लगभग 357 किलो गांजो, एक देशी बनावटनी पिस्तोल और बे कारतूस साथ पुलिसे 4 शख्सों की धरपकड़ करी छे। सौराष्ट्रना युवाधनने नशानी गर्तामां धकेलवानुं मोटू षड्यंत्र झड़पायुं। राजकोटना जंगलेश्वरमांथी एसओजीए ऑपरेशन ब्लेक होक हाथ धर्युं। जंगलेश्वर विस्तारनी गांधी सोसायटीमां सावळणीनी दुकान चलावता पति पत्नीने त्यां रेड पाड़ी 357 किलो गांजानो जत्थो झड़पी लीधो। दुकानमां वधु तपास हाथ धरता पोलीसने पिस्तल कारतीस साथे रूपिया 1,75,000 रोकड़ पण मळी आव्या हता। पोलीसे अलग अलग कलम लगावी वधु तपास हाथ धरी छे। राजकोट शहर पुलिस ना अधिकारियों ने अने आखी टीम ने एक सारी सफलता मिली छे। मदीना नामनी अने एने धनी अने साथे एने घरे काम करता कुल मळीने 4 लोगों की धरपकड़ करी, जेमा 357 किलो गांजा मळा छे अने एने साथ त्यां त्रणेक वाहन जे वापरता था ये वाहन पण कब्जे करवामां आवेला छे अने 1,75,000 जेवा कैश रोकड़ा पण मळ्या छे। आरोपी मदीनानी माता अमीना थोड़ा दिवस पूर्वे शहरना भक्तिनगर विस्तारमां 1 किलो गांजाना जत्था साथे झड़पाई हती। मदीनानो समग्र परिवार कैफी द्रव्यना काळा कारोबार साथे संकळायेलो छे। मदीनानो पति पुत्र अने पुत्री आ धंधामां छे। मदीनानो पुत्र थोड़ा समय पहला मोरबीमां 9 किलो गांजा साथे झड़पायो हतो, जे हाल जामनगर जेलमां छे। पोलीसने कैफियतमां आरोपीए कह्युं के ओडिशाथी सूरत लवाता गांजाना जत्थाने रूपिया 3,000 किलोना भावे खरीदी राजकोटमां तेओ छूटक વેચાણથી 8,000 રૂપિયા કમાતા। પોલીસ હવે સમગ્ર નેટવર્કની તપાસમાં લાગી છે। અમે થોડા દિવસ અગાઉ 8 કિલો ચરસ પણ પકડી છે, એની રિમાન્ડમાં આરોપી છે અને આ પણ મોટો જથ્થો પકડાયો છે। ચોક્કસ હું કહી શકું છું કે આ મોટા સપ્લાયર સામે હાથમાં મળી ગયા છે અને સાથ સાથ હવે જે આખું નેટવર્ક છે જે રાજકોટમાં યા સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થાપિત હશે, જે એને સાથે ઇન્વોલ્વ હશે અને એ પ્રમાણે ડ્રગ્સને ફેલાવતા હશે, એ બધાને પકડવા માટે એની તપાસ કરીને વ્યવસ્થિત જાણકારી મેળવવા માટે આખી ટીમ એમાં મહેનત કરીને લાગશે અને જે જે કડી મળશે એ બધાને ઉજાગર કરીને બહાર કાઢશે। 2 દિવસ પૂર્વે જ 8 કિલો ગાંજાના જથ્થા સાથે 4 આરોપીને પોલીસે ઝડપી લીધા હતા। ત્યાં ફરીથી આટલો મોટો જથ્થો ઝડપાતા પોલીસ પણ અચંબિત થઈ છે। સૌરાષ્ટ્રના યુવાધનને બરબાદ કરવા મત્તા તત્વોએ બિછાવેલી જાળ ભેદવી એ પોલીસ માટે પણ પડકાર રહેશે। રાજકોટથી હરેશ પંડ્યા સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર। હિંમતનગર નેશનલ હાઇવે નંબર 8 ઉપર હાજીપુરા ગામના પાટિયા પાસે અમદાવાદથી આવી રહેલ છોટા અતિ વાહનનું ટાયર ફાટતા ડ્રાઇવરે સ્ટીયરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવતા 10 મુસાફરો વાહન નીચે દબાઈ ગયા હતા, જેમાંથી 2 વ્યક્તિના ઘટનાસ્થળે જ્યારે 1નું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું। બનાવની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા। અન્ય 4 વ્યક્તિની સ્થિતિ નાજુક હોવાથી અમદાવાદ મોકલ્યા છે, જ્યારે 3ને હિંમતનગર સિવિલમાં સારવાર અપાઈ રહી છે। આજના 8 વાગ્યાની આસપાસ હિંમતનગર વાઘેલાવાસના 10 વ્યક્તિઓ દિલ્હી દરવાજા જૂના કપડાં ખરીદવા ગયેલ અને ત્યાંથી ખરીદી અને પાછા આવતા હતા એક ટેમ્પામાં બેસીને। એ ટેમ્પાવાળાનું બેલેન્સ જતા ટેમ્પો પલટી થઈ ગયેલો, એમાં કુલ 10 જણ હતા, એમાં 4 મહિલા હતા, બીજા 6 જણ પુરુષ હતા। એ રીતે 10 માણસો હતા, એમાંથી હાલ 3 જણ એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને બીજા બધાને તાત્કાલિક સારવારમાં લઈ આવ્યા છીએ। ફરિયાદ લઈને બીજી બધી કાર્યવાહી શરૂ કરેલી છે, અત્યારે આપણે સિવિલમાં છીએ। ગાડીમાં અમે બધા સદસ્યો સાથે હતા, હવે હું આગળ ડ્રાઈવર પાસે બેઠેલો હતો અને બાકીના બીજા માણસો અમારા હતા એ પાછળ બેઠેલા હતા। સાબરડેરીના આ બાજુ સાબરડાણ હાજીપુરના પાસે ડ્રાઈવરે સંતોલન ગુમાવતા ગાડી પલટી થઈ ગઈ અને 2 જણનું ત્યાં સ્થળ પર જ મોત થઈ ગયું, બાકીના બીજા બધા ઘાયલ હતા। એ તાત્કાલિક અમે 108 બોલાવી અને સિવિલને ખસેડ્યા છે।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच लोकसभा कार्यकर्ताओं साथ संवाद कर संवाद में पीएम मोदी सौनो साथ सौना विकास मंत्र ने सरकार और सरकार की योजनाओं प्रेरणा मंत्र गणव्युं जु कि भारतीय जनता पक्षे कोईपण जातना भेदभाव वगर मिकास ने ध्यान में राखी काम कर प्रसंगे पीएम मोदी कांग्रेस पर कटाक्ष करता जु कि बीजेपी में कोई परिवार के कोई एक व्यक्ति वर्चस्व नहीं सामान्य कार्यकर्ता पक्ष में महत्वना पद संभाली शे। पीएम मोदी विपक्ष महागठन पर आकरा प्रहार करता कहूं कि आखू विपक्ष अवसरवादी है। साथ एम कहूं कि महागठबंधन की नीति अस्पष्ट है और मुद्दाओं की ओछप है। आवा संजोगों में मा जुठाणा सहारो ले। 29 सितंबर देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना के साहस और सामर्थ्य का उत्तम प्रतीक है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना के युद्ध कौशल को तो दिखाता ही है, साथ ही हमें गौरव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी देता है। रातों रात किसी को खबर तक न लगे और सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस देश की सीमा में आ जाते हैं, यह भारत के इतिहास का एक गौरवमय क्षण है। साथियों, देश का हर व्यक्ति अपनी सेना पर गर्व महसूस करता है। विजय माल्याना मुद्दे भाजपे कांग्रेस और खास करीने राहुल गांधी ने तथ्यों आधारे प्रहारों करता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादे कहू कि विजय माल्या ने जे लोन मळी छे ते यूपीए सरकार हती त्यारे मळी छे अने वधुमां ए पण कहू कि कांग्रेस हताशामां छे अने गमे ते बोले छे जेनो कोई अर्थ नथी। दस्ती पार्लियामेंट के कॉरिडोर मिलने की कोशिश करता है और अरुण जी ने एक प्रकार से कुछ झटक दिया कि आप बैंकों के पास जाइए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये सारी टिप्पणी हो रही है राहुल गांधी के लंदन यात्रा के बाद, तो क्या दोनों में कुछ साझा है क्या? इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये चर्चा में आई है कि 1947 से 2008 के बीच भारत के बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपया लोन दिया और 2008 से 2014 में वो बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया यूपीए 2 में, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो शायद माल्या साहब को अधिकांश लोन किसके समय मिला आप सभी जानते हैं। नवी दिल्ली खाते आज एक पत्रकार परिषद योजी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयले तथ्यों आधार कांग्रेस पक्ष राहुल गांधी और विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी की साठगांठ पर आरोप लगवाता जणाव्यु कि वर्ष 2010 में किंगफिशर ने बैंकिंग नियमों ने वे मूकीने लोन आपवामां आवी हती। वधुमां तेमणे जणाव्यु कि आ मामले यूपीए सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री उड्डयन मंत्री राहुल गांधी और किंगफिशर एरलाइन्स और तेना मालिक विजय माल्या ने मातबर किंमतनी लोन सरळताथी आपवामां आवी हती, ज्यारे आ लोन बाबते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपत्ति होवा छता आ लोकोने लोन कोना कहेवाथी मळी हती तेनो जवाब राहुल गांधी आपे तेवी मांग केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा करवामां आवी छे। 2010 से ही जब उन्होंने सभी कायदे कानून तोड़ के बैंक और रिजर्व बैंक की सहायता से स्पेशल रिलैक्सेशन देके रिस्ट्रक्चरिंग किया और वो भी कंपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन देके कि इस किंगफिशर एयरलाइंस के लिए ये सब छूट और माफ किए जाए मापदंड, जिन लोगों ने पैसा लुटाया आज जब कटघरे में खड़े हो रहे हैं, जब पर्दाफाश हो रहा है, जब स्वयं बड़े बड़े पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में जाके बता रहे हैं कि जितने उस समय के पाप थे वो आज मोदी सरकार साफ कर रही है, उसका खुलासा कर रही है, उनको मजबूर कर रही है कानून के सामने पेश होने में, यह सिद्ध होता है कि ये साजिश कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता उस समय के प्रधानमंत्री। जम्मू काश्मीर में आज अलग अलग ऑपरेशन में कुल 7 आतंकवादियों ने सेना और सुरक्षाकर्मियों द्वारा ठार कराया। कुपवाड़ा विस्तार में
एलओसी नजीक केरन सेक्टर में सैन्य द्वारा घुसणखोरी करता त्रण आतंकवादियों ने ठार मराया छे। तो आ पहला सोपोर विस्तार में सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों वच्चे थयेल घर्षण में सुरक्षाकर्मियों जैश ए मोहम्मद ना बे आतंकवादियों ने ठार कर्या हता। जयरे अन्य एक घटना में ककरियाल में बे आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों ठार कर्या छे। सुरक्षाकर्मियों मते आ विस्तार में अन्य आतंकवादियों छुपाया छे। सुरक्षाकर्मियों सावचेती पगले आ विस्तार ने खाली करी दीदो छे अने तपास अभियान शुरू कर्यु छे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आजथी रशियाना बे दिवसना प्रवासे रवाना थया छे। सुषमा स्वराज व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी अने सांस्कृतिक सहयोग माटे बनेला आंतर सरकारी आयोग नी 23मी बैठक में भाग लेशे। तेओ आ बैठक नी सह अध्यक्षता पण करशे। आ आयोग नी दर वर्षे बैठक योजाय छे जेमां बन्ने देशों वच्चे व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक अने परस्पर हितना अन्य मुद्दे सहयोग नी समीक्षा करवामां आवे छे। फरी एक वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए देशवासियों ने स्वच्छता आंदोलन में सहभागी थवा आह्वान कर्यु छे। त्यारे बॉलीवुडनो पण आ आंदोलन ने सहयोग मळी रह्यो छे। बॉलीवुडना महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुडनी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चने लोकोने आ अभियान में जोड़ावा माटे आग्रह कर्यो छे जेथी आपणे गांधीजीना स्वच्छ भारतना सपनाने पूर्ण करी शकीए। तो बीजी तरफ खिलाड़ी कुमार तरीके ओळखाता अक्षय कुमारे पण ट्वीटरना माध्यमथी पोतानी लागणी व्यक्त करता जणाव्युं कि तेनी टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनवाना कारणे ते जाणी शक्यो के देशना घणा खारा लोको प्राथमिक जरूरियातोथी वंचित छे। आ साथे तेणे सौ कोईने स्वच्छता अभियानमां श्रमदान करी भाग लेवा विनंती करी छे। तारीख शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बहुत ही विशाल स्थल पर स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सबके पास पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये सबसे बड़ा अवसर है। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक करोड़ों की संख्या में हम सब स्वच्छता के इस अभियान के सहभागी बने। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रत्येक वर्ष हम अपने घर आंगन की सफाई करके दीपावली के पावन अवसर का शुभारंभ करते हैं। इस बार हम 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलाएं। जैसा अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, अपने गांव में, कस्बे या शहर में स्वच्छता का एक ऐसा वातावरण बनाएं कि 2 अक्टूबर तक भारतवर्ष की स्वच्छता गांधी जी के सपनों वाली स्वच्छता बन जाए। महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया था। इसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी के लिए स्वच्छता ही सेवा कैंपेन शुरू किया है। इस आंदोलन में आपके योगदान के लिए मैं आप सबसे ये आग्रह करती हूँ, जिस प्रकार से हम अपने घर आंगन को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले और गांव शहर को भी स्वच्छ रखें। आपका यह योगदान हमारे देश को सच में हम सब के सपनों का स्वच्छ भारत बनाने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए राज्यना प्रजाजनों ने गणेश चतुर्थी और जैन भाईओं ने संवत्सरी शुभेच्छा पाठी है। तेमणे वडोदरा खाते गणपति उत्सव में भाग लीधो हतो। मुख्यमंत्रीए वडोदरा में अटलादरा विस्तार में आवेला शंकर भगवानना मंदिरे दर्शन करीने गणेश यज्ञ में बैठा हता। आ यज्ञ में तेमनी साथे विधानसभाना अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदीए पण आहुति आपी हती। सुंदर गणेश जी की प्रतिमा 28 टन पत्थर माथी एक ज पत्थर माथी आखी प्रतिमा खूब अद्भुत काम कर्यु छे। अने वडोदरा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ एमना पण खूब अथाक परिश्रम थी एक सांस्कृतिक कला नगरी अने एमा आजे सवारना प्रथम कार्यक्रम में मने आवानु सौभाग्य प्राप्त थयु छे। मने खूब आनंद छे।
गणेश चतुर्थी अवसरे गुजरात में मोटो उत्साह जोवा मळ्यो छे। भारे संख्या में लोग गणपति ने पोताना घरे लई जवा पहोंच्या हता अने आखा रस्ते नाचते गाजते अबील गुलाल उड़ाड़ता मंगलमूर्ति गणेश ने पोताना घरे लई जई रह्या छे। जोईए अमारा संवाददाता मेघना देवनो रिपोर्ट। हम अभी खड़े हैं अहमदाबाद के एक ऐसे इलाके में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में गणपति की मूर्तियां मिलती हैं और काफी सारे लोग यहां से गणपति को अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। आप बताइए, आप गणपति ले जा रहे हर साल लेकर आते हैं, कैसे मनाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, फुल एंजॉय करते हैं। कैसे पूजा करते हैं आप? हाँ, घर पे पूजा करते हैं, हमेशा 15-20 साल से करते हैं। हम लोग 3 साल से ला रहे हैं ये, और ये मेरे बेबी का फर्स्ट है गणपति का, तो इस बार हम लोग ने पूरे 5 दिन प्रोग्राम रखे हैं, अलग अलग डांस प्रोग्राम, भजन है, सब अलग अलग दिन के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। बहुत धूमधाम से हम पूरी सोसाइटी करते हैं। अभी भी आज हम लेके जा रहे हैं और बहुत नाचेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत गुलाल उड़ाएंगे। हर बार की तरह हम पूरे जूथ में 100-200 लोग यहाँ पे गणपति लेने आते हैं और 7 दिन हम रखते हैं, अलग अलग रोज अलग अलग टाइप के फंक्शंस रखते हैं रात को, और पूरी धूमधाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग यहाँ से मूर्ति को ले जाते हैं, वहाँ उनकी स्थापना करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको अच्छा पात्र पहनाते हैं, फूल हार से सजाते हैं और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। वो है तो हम है, उसके आशीर्वाद से सब चलता है, उसको नमन करते हैं, वो करते हैं, बस उसका आशीर्वाद सदैव हमारे पे बना रहे। ये 34 साल है, 34 साल से धूमधाम से मनाते हैं खुशी से, और पूरी सोसाइटी रहती है, लाडू चढ़ाते हैं उनको, मोदक भी चढ़ाते, लड्डू चढ़ाते, मोती चूर के, और हम सब ये धूमधाम से ही मन जाते हैं। सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, सबको नाचने में फूलने में सबको अच्छा लगता है। समृद्धि और सौभाग्य के देवता गणेश जी का आज जन्म दिवस है, जिसे पूरे देश में गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन रिद्धि सिद्धि के देवता को लोग अपने घर में ले आकर उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में उनकी पूजा आराधना करते हैं, और जब उनका विसर्जन करने जाते हैं तो उनसे ये वादा जरूर लेते हैं कि अगले वर्ष वो जल्दी वापस आए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। देशभर में गणेश चतुर्थी की धामधूमपूर्वक उजवणी थई रही है, त्यारे भक्तों द्वारा गजानन विविध स्वरूपे स्थापन थतु होय छे। त्यारे आणंदना विद्यानगर खाते विद्यानगर स्टोन ग्रुप द्वारा प्रथम वक्त चॉकलेट में गणेशजी की मूर्ति बनावामां आवी छे। नोंधनीय छे कि आ मूर्ति कलकत्ता खास कारीगर द्वारा 5 दिवस की मेहनत अंते 51 किलो चॉकलेट में 2 फूट की दुंदाड़ा देव की प्रतिमा तैयार करवामां आवी छे। आ वक्त इको फ्रेंडली मूर्ति की बोलबाला छे, तेवामां विद्यानगर स्टोन ग्रुप द्वारा स्वास्थ्यवर्धक मूर्ति तैयार कारण के चॉकलेट में तैयार कराये आ मूर्ति ने महोत्सव दरमियान सतत ठंडा वातावरण में राखवामां आवशे। त्यारबाद चॉकलेट में तैयार करायेल आ मूर्ति दूध में विसर्जन करी तेनी प्रसादी बाळकों अने गजानन भक्तों ने प्रसाद स्वरूपे आपवामां आवशे। ट्रस्ट द्वारा यू विचार्यू के चॉकलेट ना गणपति बनावी अमे अने एक समाज ने सारो मेसेज आपीए अने आ मूर्ति ना पर्व ना अंतिम दिवसे भक्तों द्वारा एमने अभिषेक करवामां आवशे अने पछी एमने प्रसादी रूपे एमने आपवामां आवशे। एवो अमारो कॉन्सेप्ट छे, पर्यावरण ने नुकसान नहीं ए रीते अमारो आखो कॉन्सेप्ट लईने चालीए छीए, आवनारा दिवसोमां अमे आवा सारा सारा कॉन्सेप्ट लईने चालता रहीशुं। गणेश चतुर्थी पर्व आजथी शुरू थयो छे। आजना दिवसे श्रद्धालुओ बापानी स्थापना करे छे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आ अवसरे देशवासीओने शुभेच्छा पाठवी हती। मुंबईमां प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिरना सुंढाळा देव लालबागचा राजाना दर्शन माटे भक्तोनुं घोड़ापूर जोवा मळी रह्युं छे। प्रसिद्ध तरणेतरना मेळानो आजे बीजो दिवस छे। ભાદરવા સુદ 4ના રોજ તરણેતરમાં આવેલ ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આજરોજ વિસામન મહંત શ્રી પરમ પૂજ્ય નિર્મળાબા દ્વારા ધજા ચડાવવામાં આવી હતી। આ સમયે મંદિરના પ્રાંગણમાં રાસ મંડળી દ્વારા રાસગરબાનું આયોજન કરાયું હતું। સાથે મેળામાં વિવિધ રમતો જેવી કે દોડા ખેંચ, નારગોલ તેમજ લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા પણ યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી ઉંમરના લોકો 30થી વધુ લાડુ ખાઈને વિજેતા બન્યા હતા। આવતીકાલે ઋષિપાંચમ છે, અહીંયા આવેલ કુંડમાં હજારો લોકો સ્નાન કરશે। સાથે કાલે રાજ્ય સરકારના મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા તેમજ ઈશ્વરભાઈ પટેલ હાજર રહેશે।
લગભગ વિસામણ બાપુથી આ પ્રથા પ્રણાલિકા અમારે પરિવાર સાથે ચાલ્યું આવ્યું છે અને દર વર્ષે પાળિયાદથી ધજા ચડાવવામાં આવે છે. અમારે લગભગ આજ 9 પેઢીથી આ પરંપરા ચાલુ છે. બધા આ મેળામાં ઋષિ પદ્મિના રોજ જે ગંગાજીનું અવતરણ થાય છે એમાં સ્નાન કરવા આવે, લોકવરણ બધાએ પોતપોતાના પરંપરાગત પોશાકમાં આવે અને મેળાની સામે જે પટાંગણ છે એમાં પોતે પોતાની રીતે રાસ રમતા હોય. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને લેખન પ્રવૃત્તિથી પ્રભાવિત થયેલ સાહિત્ય ક્ષેત્રે સંકળાયેલા કવિ અભય કે દ્વારા અમદાવાદમાં અમેરિકન કોર્નર ખાતે તેમના દ્વારા લખાયેલ 100 કવિતા સંગ્રહનું પઠન કરવામાં આવ્યું. આ કાવ્ય સંગ્રહમાં સમગ્ર ભારતની પ્રવાસન સ્થળો વિશેની કવિતાઓનું પઠન કરવામાં આવ્યું. Sometimes he had this terrible nightmare that he died of the plague, that after his death his poems were never published. 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स एक ऐसी किताब है जिसमें जो है जो भारतीय कविता को इंट्रोड्यूस करती है. इसमें 3000 साल की भारतीय कविता 28 भाषाओं से अनुवादित भारतीय कविता एक जगह संग्रहित की गई है. मैंने इसका संग्रह सिलेक्शन और संग्रह किया है और यह जो किताब है वो एक तरह से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बताती है कि भारतीय कविता की कितनी पुरानी परंपरा रही है और कितना धनी है, कितना रिच है भारतीय कविता का भंडार. દેશના દરેક વર્ગના જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને દરેક પ્રકારની દવાઓ બજાર કરતા ઓછા ભાવે સારી ગુણવત્તાવાળી મળી રહે તે માટે સમગ્ર દેશમાં દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓ સરકારની આ યોજનાથી ખૂબ જ ખુશ છે. મહીસાગર જિલ્લાની લુણાવાડા જનરલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર શરૂ થયું છે. આ જનઔષધિ કેન્દ્રમાં બજાર કરતા ખૂબ જ વાજબી ભાવે દવાઓ મળે છે, જેથી જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓ સરકારની આ યોજનાથી ખૂબ જ ખુશ છે. પંડિત દયાળનું જે કેન્દ્ર ખોલ્યું છે એ અમને સારું અને સરસ લાગે છે અને દવા સસ્તી મળે છે અને અમને ફાયદો થાય છે, એટલે અમને જે સરકારે જે આ કામ કર્યું છે બહુ સારું કર્યું છે. બજાર કરતા દવા સસ્તી મળે છે અને બજારમાં લેવા જાઓ તો બહુ મોંઘી મળે છે, એટલે સારામાં સારો સ્ટોર ખોલેલો છે અંદર. કેન્દ્ર સરકારની બહુ પરિમાણલક્ષી યોજનાઓમાંની એક એટલે સ્વસહાય જૂથ યોજના. નડિયાદમાં ચાલી રહેલી એક જૂથ યોજના એટલે તંજુમ સ્વસહાય યોજના, જેમાં મહિલાઓ આર્થિક સદ્ધરતા પામી છે. તંજુમ પઠાણ નામક મહિલા અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણાદાયક કાર્ય કરી રહી છે. કેન્દ્રની યોજનાને જોડી સીવણ ક્લાસ શરૂ કર્યા, જેમાં અન્ય મહિલાઓ પોતાના સમય પ્રમાણે આવી વિવિધ કપડાનું સીવણ કામ લઈ આપી જાય અને તંજુમ બહેને ત્યાં પણ કામ કરે છે. આ રીતે મહિલાઓ સ્વનિર્ભર થઈ અન્યો માટે પ્રેરણારૂપ કાર્યમાં જોડાઈ છે. તંજુમન સ્વસહાય જૂથ અમે ચલાવીએ છીએ, એમાં અમે 10-12 બહેનોને રોજગારી આપીએ છીએ. અમને જે સહાય મળી છે તે બદલ અમે ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર અને નરેન્દ્ર મોદી સરનો આભાર માનીએ છીએ. મારું નામ તસ્લીમ બાનુ છે. મને તંજુબન બેન સીમા ક્લાસમાં શીખવાઉં છું, એમના જોડથી આધારે કમાઉં છું. અમે સીમા ક્લાસ શીખીને કમાઉં છું, એમના આધારે મને એ રીતે સહાય પ્રાપ્ત થઈ છે. તો આ સાથે આજનું ઇવનિંગ ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત કરીએ. નમસ્કાર.